हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स करियर पॉइंट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, इस क्लास में हम लोग जो है इंडक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इंडक्टर के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या होता है इंडक्टर, कैसे वो फिलहाल वर्क करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडक्टर पर। इंडक्टर जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रेरक। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरक। इंडक्टर जो आपका होता है, जिस तरीके से हमने कैपेसिटर के बारे में बताया, वैसे ही जान लीजिए इंडक्टर आपका भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये भी एक आपका पैसिव एलिमेंट है। कैसा, पैसिव, बाइलेटरल है, बाइलेटरल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें और क्या जाननी है आपको, इम्पॉर्टेंट बात और क्या जाननी है कि जब भी कहीं पर कोई भी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ इस करंट इफेक्ट की वजह से क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फिर इसमें इंडक्टेंस भी आता है। इंडक्टेंस नथिंग बट फाई अपान आई, इसको आप कहेंगे, इसकी यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर, या जिसको आप एक वर्ड में बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं इंडक्टेंस की यूनिट, हेनरी। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फार्मूला एक्चुअल में होता है वो L इज इक्वल टू एन फाई बाई आई होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर है तो N की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। अगर यहीं पे एक क्वायल होता जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते तब N फाई बाई आई होता, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया, एक कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट है, बाइलेटरल कंपोनेंट है, एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट है जो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में स्टोर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में और हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, एक हम लोग क्वाइल के लिए देखते हैं, इंडक्टर के बारे में देखते हैं। इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाइल है, यहाँ पे हम लोग एक नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए एन है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कोर का ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पूछें आपसे किसका रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस एस इज इक्वल टू आप कहेंगे एल अपान म्यू ए, ये सब मैग्नेटिक सर्किट में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एल लेंथ ऑफ द क्वाइल है पूरा सोलेनोइड, म्यू क्या है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, अभी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। परमेबिलिटी क्या होता है, कैसे घटता बढ़ता है, कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ कम होता है, सब एक्सप्लेन करेंगे। म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है ना। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है ना। म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है एयर के लिए। सारी बातें हम करेंगे, बस हम मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ हम कैपेसिटर इंडक्टर का एक शॉर्ट नोट तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है, अब इसमें अगर करंट आई जा रही है तो यहाँ पे जो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, तो इंडक्टेंस जो होगा, क्या इंडक्टेंस, जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है इंडक्टर की प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर दैट विल अपोज द सडन चेंज इन करेंट। करेंट का सडन चेंज, अगर करेंट में सडन चेंज हो रहा है तो उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई लिखते हैं, ठीक है ना। अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एम एफ अपान रिलक्टेंस होता है। एस एम एम एफ की वैल्यू होती है एन इंटू आई, रिलक्टेंस की वैल्यू होती है एस, जिसको हम लोग लिखते हैं एल अपान म्यू ए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो फाई की वैल्यू हमें मिलेगी एन आई म्यू ए अपान एल। अगर इसको हम इस फॉर्मूले में पुट डाउन कर लें तो आप देखेंगे आपको रिलक्टेंस की एक वैल्यू मिलेगी, सॉरी यहाँ पे इंडक्टेंस की एक वैल्यू मिलेगी। इंडक्टेंस की क्या वैल्यू मिलेगी, एन फाई की जगह पर हमने पुट किया एन आई म्यू ए अपान एल आई, आई से आई कट गया, एन स्क्वायर यहाँ म्यू ए अपान एल, ये इंडक्टेंस हो गया,
बहुत अच्छा फॉर्मूला है इंडक्टेंस का, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपान एल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडक्टेंस, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका फिलहाल यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए इतना टॉपिक। अब इसके बाद हम इंडक्टेंस की और सारी बातों पे चलते हैं, इंडक्टेंस से रिलेटेड और बातें करते हैं कि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है और इंडक्टेंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंडक्टेंस में मैंने कुछ बातें आपको बता दिया। इंडक्टेंस इंडक्टर के सिंबल को देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, सिंबल क्या होता है इंडक्टर का। ये होता है सिंबल, एल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज तभी बिल्डअप होगा जब करंट में कंटिन्यूस क्या हो, चेंज हो। अगर डीसी अप्लाई कर दें इंडक्टर के क्रॉस तो इसका जो वोल्टेज है वो तुरंत जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीसी कांस्टेंट होता है, उसमें कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो डीसी अप्लाई करने पे तुरंत ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है। वोल्टेज बिल्डअप इसके क्रॉस तभी होगा जब करेंट का रेट ऑफ चेंज होगा कंटिन्यूस। अगर करेंट की बात करें तो आई इज इक्वल टू होता है वन अपान एल वी एल डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी, ये करेंट हो गया। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मे बी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी फिलहाल, ठीक है ना। हमने क्या क्या देख लिया, इंडक्टेंस के क्रॉस करंट, इंडक्टर के क्रॉस करंट, वोल्टेज, एनर्जी, ये सारी चीज़ें देख ली है। अब हम कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस भी देख लें, ध्यान दीजिए, इसका जो कनेक्शन होता है वो जैसे सीरीज रेजिस्टेंस का होता है सेम वैसे ही होगा, जैसे ही पैरेलल रेजिस्टेंस का होता है वैसे होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मैं आपको बताना भूल गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस नोट कर लीजिएगा, हम पहले कनेक्शन देखते हैं उसी में भी लिख देंगे कनेक्शन। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, मतलब 2πfL, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ हम सीरीज कनेक्शन लेते हैं, सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। सीरीज कनेक्शन में कई सारे इंडक्टर सीरीज में लगे होंगे, L1, L2, L3, यहाँ मान लीजिए L इक्विवेलेंट है, तो आप लिखेंगे इसमें करंट सब में सेम है तो वोल्टेज अलग अलग है, तो आप लिखेंगे टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 L इक्विवेलेंट di/dt। अभी मैंने बताया है कि वोल्टेज क्या होता है इंडक्टर के क्रॉस का, इज इक्वल टू L1 di/dt, चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वही होगा, सब में करंट सेम जा रही है, प्लस L2 di/dt प्लस L3 di/dt, ये कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 L3, ठीक है ना। ये आपका L इक्विवेलेंट हो गया, कोई कन्फ्यूजन इसमें, ये सीरीज कनेक्शन में हो गया, अब अगर कभी यहाँ पे आपको देखो कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करके आप दिखा सकते हैं X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू X1 X2 प्लस X3,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम ही होने वाला है। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें, पैरेलल आपके पास थ्री इंडक्टर्स होंगे, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तीनों इंडक्टर्स को। सपोज वी हैव यहाँ वी है, यहाँ एल इक्विवेलेंट, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट आई वन जाएगा, यहाँ करंट आई टू और यहाँ करंट आई थ्री, ठीक है ना। इंडक्टेंस की वैल्यू एल वन एल टू और एल थ्री है, एल वन एल टू और एल थ्री है। तो अभी आप देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, कैपिटल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। आई की जगह पे आप क्या लिखेंगे, वन अपान एल इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, चूँकि वोल्टेज सबके क्रॉस सेम होगा, वन अपान एल वन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी प्लस वन अपान एल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी प्लस वन अपान एल थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये सब वी डी टी कैंसल आउट हो जाएगा। वन अपान एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपान एल वन प्लस वन अपान एल टू प्लस वन अपान एल थ्री। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना, किस तरीके से ये काम कर रहा है फिलहाल। अब आपको क्या है कि इंडक्टर से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स को दूर रखना है। इतनी बातों से, इतनी जानकारी से हम लोग एसी को बड़े आराम से डील कर लेंगे। अगला चैप्टर हमारा एसी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में ये थोड़ी थोड़ी बातें बता दिया कि ताकि हम लोग जब एसी को डील करें तो आपको ये ना लगे कि यार सर ने सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ाया था, अभी ये इंडक्टर कहाँ से ला रहे हैं, कैपेसिटर कहाँ से ला रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, है ना। आपको एकदम जो आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। जितनी बातें इंडक्टर और कैपेसिटर की हमें डिस्कस करनी है कहाँ, एसी में, उतने के लिए ये सफिशियंट है अभी जितना मैंने पढ़ाया। बाकी एक्चुअल में आपको इंडक्टर बहुत अच्छे से जानना है, कैपेसिटर बहुत डिटेल जानना है। सो नो डाउट मैं आपको जब आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक सर्किट्स, तो बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो आप अपना जो है फिलहाल कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कैपेसिटर में बताया था, क्या बताया था कि कैपेसिटर नेवर डिसिपेट द पावर, ठीक है ना, कैपेसिटर जो होता है नेवर डिसिपेट द पावर, सिमिलरली इंडक्टर ऑल्सो नेवर डिसिपेट द पावर, इंडक्टर ऑल्सो नेवर डिसिपेट द पावर। एनर्जी स्टोरेज के क्रॉस जो मैंने बताया है हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी स्टोरेज कितना है, इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, आई क्या है, करेंट थ्रू द इंडक्टर। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो इंडक्टर और कैपेसिटर का मैंने बहुत थॉट में, बहुत फास्ट मैंने इस चीज़ को आपको बताया है। फिर हम लोग इस पर और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर। इसकी जब बात होनी होगी तब फिर हम लोग करेंगे, कहाँ, जो मैंने दो चैप्टर बताया अलग अलग उनमें, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।